मास्टर स्ट्रोक में अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ी हलचल की। हैरल्ड हाउस केस की जांच कर रही ईडी ने आज शाम यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया है। शाम को ईडी ने नोटिस चस्पा कर दिया कि एजेंसी की इजाजत के बगैर इस दफ्तर को नहीं खोला जाएगा। इसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पर हलचल तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं की तरफ से कार्यकर्ताओं को मुख्यालय पहुंचने के मैसेज भेजे गए। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने सभी कार्यकर्ताओं को हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होने के लिए कह दिया। एबीपी न्यूज के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को आशंका थी कि हैरल्ड हाउस के बाद ईडी की टीम कांग्रेस दफ्तर पहुंच सकती है। हालांकि ईडी में मौजूद सूत्रों ने एबीपी न्यूज को ये जानकारी दी कि कांग्रेस मुख्यालय पर कोई रेड का प्लान नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय पर बढ़ती कार्यकर्ताओं की हलचल देखकर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। पुलिस को आशंका थी कि यंग इंडियन दफ्तर सील होने के विरोध में कांग्रेस दफ्तर से कार्यकर्ता जो हैं वो हैरल्ड हाउस तक मार्च कर सकते हैं। आज दिन में हैरल्ड हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। बैरिकेडिंग और फोर्स की तैनाती पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस हेडक्वार्टर और नेताओं की घेराबंदी कर रही है। अब जो तस्वीर दिखा रही हूँ वो 24 अकबर रोड की है। इसमें भारी संख्या में पुलिस बल है, बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही होगी। भारी सुरक्षा के बीच कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर दिल्ली में मौजूद कार्यकर्ता दफ्तर पहुंचते रहे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर भी करते रहे। बाद में पुलिस ने ये भारी सुरक्षा और बैरिकेड्स दोनों हटा दिए। हैरल मामले में हमने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सरासर उसमें कोई जान नहीं है, इसलिए कि मनी ही नहीं है। जब मनी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर लॉन्ड्रिंग कहां से होगी, बताइए। अब इस बहुत बड़ी हलचल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जिस वक्त ये हलचल चल रही थी वो कर्नाटक के हुबली में मौजूद थे। हुबली से राहुल गांधी ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि सरकार आम लोगों के लिए नहीं, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उनके हित में काम कर रही है। सुनिए। बीजेपी wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by two or three of their favorite big business people. प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा। तो सुना आपने, यंग इंडियन का दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।